फगवाड़ा शहर विच लुट खोह चोरी दी वारदातां दा सिलसिला लगातार जारी है। चोरां दे हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वह रब दे घर नूं भी निशाना बनाउण तों गुरेज नहीं कर रहे। ताज़ा मामला सामने आया ओंकार नगर फगवाड़ा दा, जिथे चोरां ने एक मंदिर नूं निशाना बनाउंदे होए उत्थों हज़ारां दी नकदी अते सोना लै के रफू चक्कर हो गए। मंदिर कमेटी के प्रधान सुनील पांडे का कहना है कि चोर मंदिर का गला तोड़ के उस विच पई नकदी तो अलावा कुछ सोना लैके फरार हो गए। थाना सिटी की पुलिस नूं सूचित किया गया, लेकिन पुलिस काफ़ी देर नाल पुजी, जिस करके लोगों विच काफ़ी रोस पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जेकर सूचना देने तो बाद भी पुलिस इस तरह आवेगी तो उन्होंने जान माल की राखी किवें हो सकेगी। मैं सुनील पांडे शिव मंदिर ओंकार नगर धर्मशाला कमेटी की प्रधान हूँ, और ये मंदिर बहुत पुरानी है, प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में 2 बजे पंडित जी वगैरह सफाई करके चले गए थे, 4 बजे ताला खोल दिए थे। उसके बाद में लोग सफाई पूजा करने अर्चना करने आते रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने कमेटी मेंबर ने आए 7:15 बजे, यहाँ पर 7:20 में आने के बाद हम कमेटी शिवरात्रि के विषय में पैसा निकाल के लंगर के बारे में सलाह करने के लिए बैठे थे। जब हमने उसमें ताला की छुआ तो ताला कटा हुआ मिला, ना उसमें हमारा कोई पैसा है। जबकि हम 6 महीने पर ताला खोलते हैं, हमको 30-35 हज़ार रुपये उसमें आता है। हम उस पैसे को लंगर पर खर्चा करते हैं, और जो पहले से भी सोना वगैरह छोटे छोटे आइटम 3-4 आइटम था उसमें, जो कि हम उसको लिफाफा में लपेट के हम उसी में रख देते हैं, और टूटे पैसे भी रख देते थे, जो कि आज कुछ भी पैसा नहीं है उसमें, और जो उसमें का लिफाफा तक भी चक के ले गए। कितने का नुकसान होया लगता तुम्हें? मतलब 35-35 हज़ार कैश हो गया। 6 महीने में हमारा लगभग इतना ही आता है। 6 महीने बाद गिनती करते 35 हज़ार? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 35-35। सोना वगैरह भी लग गया, और उसमें सोना जो था हमारा 4 पीस था, छोटे छोटे, जैसे मुंडी बड़ा, इसमें का कोई नाक का ये तो अनुचिता पता चल रहे थे चीजें पे हैं। हमने रखा था उसमें, जब पिछले बार का पैसा इसमें है, 6 महीने साल का पैसा वो था सोना, तो हम सोचते थे कि इसको इकट्ठा करेंगे तो फिर मंदिर में खर्चा करेंगे, कुछ बनवाएंगे, तो इसलिए हम उसको उसी में डाल देते थे। मतलब 35 हज़ार रुपये का कैश चले गया, सोना चांदी चले, सोना चांदी चला। सूचना दी है हमने पुलिस इंचार्ज, पुलिस इंडस्ट्रियल के चौकी को हमने सबसे पहले फोन किया। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास आदमी नहीं है, हम अकेले हूँ, मैं आ नहीं सकता हूँ, अभी इंतजाम करके आऊँगा। कितना टाइम हो गया? मैंने उनको 7:30-7:35 में कर दिया था। उन्होंने इतनी गल की सी? हाँ जी, इतनी गल करी सी उन्होंने। मतलब फिर डेढ़ पौना पौना घंटा नहीं आए उसमें। उसके बाद हमने SHO साहब को अपना थाना में कर दिया था, सिटी थाना, उनको भी बोले हुए हमारे को लगता है कि आधा घंटा ही ज्यादा ही हो गया। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਗਿਆ ਮ
ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ? ਚਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत। ते हां नाल ही दोस्तों नू पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला।
ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।